समय इंडिया में लगभग 135 करोड़ जनसंख्या है। आबादी दिन पर दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए शायद सरकार को देश में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक कानून लाना चाहिए। अब ये कानून लाने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि एक समुदाय पूरा इतना बढ़ जाए और दूसरा जो भारत का मूल निवासी है वो बेचारा दबा का दबा रह जाए। वैसे ऐसा हमारा कहना नहीं है, जिनका कहना है उनकी आप वीडियो खुद देख लीजिए, फिर आखिर में आप खुद डिसाइड कर लेना कि कौन सा जो समुदाय है वो बढ़ता चला जा रहा है और कौन सा समुदाय है जो मूल निवासी होकर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। तो ये थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग इनकी बातों को समझ ही गए होंगे कि आखिर ये कि कौन से निवासी को भारत का मूल निवासी बता रहे हैं और कौन से समुदाय हैं जो जिनकी आबादी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अब जिसको टारगेट करना था बिना नाम लिए इन्होंने अच्छे से टारगेट भी कर दिया और बता भी दिया। वैसे इन्होंने आगे अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि एक समुदाय है जिसकी आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वो अराजकता फैलाती जा रही है। अब जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, जैसे पाकिस्तान में भी हो रहा है और कुछ लोग इसी समुदाय के कश्मीर में भी आतंक फैलाते जा रहे हैं। फिलहाल हम नाम नहीं लेना चाहते, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं लिया उसी तरीके से वैसे समझने वाला समझ ही गया होगा कि हम किसके लिए कह रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि जो भारत के मूल निवासी हैं दिन पर दिन उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, वैसे आपको क्या लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि जो भारत के मूल निवासी हैं उनकी जनसंख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, ये बात सही है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।